हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वीवो Y27 फ़ोन में आप लोग ऐप हाइड कैसे कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस है और किसी किसी एप्लीकेशन को जो आप लोगों को हाइड करके रखना है, तो कैसे आप लोग एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐप हाइड करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोगों को ऐप लिस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा गाइस, आई मैनेजर का देख सकते हैं। तो ये वीवो के फ़ोन में होता है गाइस, तो इस आई मैनेजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद एग्री कर दीजिए, फिर से एग्री कर दीजिए और यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक यूटिलिटी टूल्स का ऑप्शन आएगा, यूटिलिटी टूल्स पे क्लिक करेंगे। ऐप एनक्रिप्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने का जो भी आप लोगों का जो पासवर्ड है उसको डाल देना है। डालने के बाद नीचे देख सकते हैं ऐप हाइडिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। देख सकते हैं फेसबुक को जो है मैं हाइड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो फेसबुक को यहाँ पर से जो है हम ऑन कर देंगे। ऑन करते ही हमारा जो फेसबुक है वो यहाँ पर से हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर से हाइड कर सकते हो। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर से इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। एप्लीकेशन के साइड में जो यहाँ पर ऑन ऑफ वाला जो बटन होता है उसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपका वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए सिर्फ इसको यहाँ पर से ऑफ कर देना है, वो एप्लीकेशन फिर से आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वीवो Y27 फ़ोन में ऐप हाइड कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।